और को किसन किन को 50 लाख कॉम्पेंसेशन देना चाहिए, ग्यामर पादुंग जी का भी, दोनों को, और एक दोनों परिवार को एक एक नौकरी देने से अच्छा है, नहीं तो उसका फैमिली सरवाइव नहीं कर पाएगा। वो गलत है, वो तो रैली करना, प्रोसेशन जाना, वो तो डेमोक्रेसी राइट है ना, उसको आप लोग अनलॉफुल एक्ट में नहीं डाल सकता ना। नानासाहेब हिटलर साहेब का सरकार चलाएगा सोचने से तो ये गलत होगा, क्योंकि मेरा अपील है कि इन लोग को डिटेंशन किया वाला को जल्द से जल्द रिलीज करने से अच्छा है। नहीं, वो हमारा जो अरुणाचल प्रदेश अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है वो अच्छा चीज़ के लिए किया था, क्योंकि देखो आर्टिकल 19 का हिसाब से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वो सबको तो कातिल नहीं कर सकता है, जो बनकोल हो गया, लेकिन उसको अभी डिटेंशन बनकोल का टाइम जो डिटेंशन किया है ना, अभी उसको सरकार छोड़ना चाहिए। मेरा हिसाब से जो लोग जो कर रहा है वो भी तो सबका इंटरेस्ट में कर रहा है, कोई इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो है ही नहीं। मेरा हिसाब से सरकार को भी मेरा ये अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी जो भी बनकोल किया है, बनकोल करना तो इलीगल है एज पर जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन जब सरकार नहीं सुनता है, बच्चा लोग का पास ऑप्शन नहीं रहता है, लेकिन बनकोल नहीं होना चाहिए, बनकोल को हम भी इंकरेज नहीं करते, क्योंकि इसमें बहुत लोग का इफेक्ट होता है, जो मिडिल क्लास है, डेली वेजेस लोग का बहुत इफेक्ट होता है। फिर भी जो होना था हो चुका है, सरकार उसको डिटेंशन को एक्सटेंशन नहीं करके उसको अभी अंडर टेकिंग लेके रिलीज करने से अच्छा है, क्योंकि जो भी हो अपना ही लड़का है, क्यों बाकी जो इशू है राउंड टेबल में बैठ के इसको रिजोल्व करने से अच्छा है, क्योंकि ये जो पेपर लीकेज का वजह से बहुत सारा अरुणाचल में दो लोग सेक्रीफाइज हो गया, लेतुमी गंगकक जी और ये ग्यामर पादुंग जी सेक्रीफाइज हो गया। हम हमेशा सरकार से ये अपील करते हैं कि हम लोग, सरकार एक गार्जियन होता है, अरुणाचल प्रदेश का जो गार्जियन है मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का अंदर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन रहता है, उन लोग सब लोग मिल के मेरा ख्याल से डिटेंशन लोग को एक्सटेंशन नहीं करके सोल दोदम हो या जो मिमी तबाह हो, जो कि जितने भी लोग बनकोल किया है उनको अभी मेरे ख्याल से अंडर टेकिंग लेके रिलीज करने से ठीक है, क्योंकि ये इसको खास करके बनकोलर को भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, 13 पॉइंट जो आप लोग ने डिमांड किया है उनका कितना हो गया, अभी तक कितना रिजोल्व हुआ, कितना नहीं हुआ, उनको आप पब्लिक डोमेन में रखने से अच्छा है। और यहाँ में आपका बहुत सारा चीज़ डिमेरिट्स मेरिट्स है, लेकिन मेरा ये अपील है कि अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को भी, बन कोलर को भी, पन अरुणाचल जॉइंट स्टेयरिंग कमेटी को भी मेरा ये अपील है कि आप कमीशन को बनाने दीजिए ना, कमीशन जब तक नहीं बनाएगा आपका चीज़ जो रिजोल्व नहीं होगा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट हैज़ नथिंग टू डू दैट, बिकॉज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इज द ऑटोनमस बॉडी, क्योंकि गवर्नमेंट रिकमेंड करके जब कमीशन फॉर्म होने का बाद तभी इसका रिजोल्व होगा। और शुरू में आपने अभी जो हम शुरू से ही बोला है कि आपने CBI जो डिमांड किया है आपने बहुत बड़ा गलत कर दिया, क्योंकि आप CBI को डिमांड करना नहीं चाहिए था, CBI डिमांड करेगा तो CBI तो आप कार्रवाई आपका प्रॉपर इंक्वायरी के बाद ही अरेस्ट करेगा, CBI इतना जल्दी इंक्वायरी ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि CBI का काम करने का तरीका अलग है, क्योंकि और स्टेट गवर्नमेंट भी अभी CBI को देने के बाद CBI को इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है, वो लोग चाहने से SIT और SIC से कराना था। और मेरा एक करेक्शन ये भी है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर को आप लोग ने डिमांड किया है वो गलत है, अरुणाचल प्रदेश टैक्स एग्जम्प्टेड स्टेट है, हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स देता नहीं है, बिल्डिंग का टैक्स देता नहीं है, यहाँ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का कोई रोल नहीं है। इस हिसाब से मेरा ख्याल से डिटेंशन को, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मेरा अपील है, माननीय मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी को मेरा अपील है, जो डिटेंशन करके रखा है वो लोग भी अपना बेनिफिट के लिए नहीं किया, बनकोल किया है, पब्लिक का सेंटीमेंट को लेके किया है, आप एक गार्जियन है, अपना बच्चा गलत काम करता है तो आप उसको बुला के अंडर टेकिंग लेके मेरा हिसाब से छोड़ देने से ठीक है।